तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने एक पार्सल मंगाया है, और जो पार्सल है वो यही पार्सल है। और इस पार्सल के अंदर आपका क्या है अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, बाकी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या इसका अंदर है। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो पार्सल है आपका वो यही है, तो इसको अभी अनबॉक्स करता है और देखते हैं इसका अंदर क्या है। सबसे पहले कि ये नाइफ लेके आ चुका हूँ, तो अभी इससे हम खोलेंगे इसको। तो जो सामान था वही है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑटोडेस्क का इंडिकेटर, जो इसको खोल के मालूम चलेगा। दोस्तों ये फोर इंडिकेटर जो मैं अपना एंट्रो के लिए मंगाया हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये कंपनी ऑटोडेस्क का है, और इसमें एलईडी बल्ब 45 लगा हुआ है, 45 एलईडी बल्ब है 360। तो मेरा जो एंटर है उसमें मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। और दोस्तों ये चार जो है ये मुझे लगभग आपका 941 का पड़ चुका है। ये दो एक साथ में आता है, जिसका प्राइस आपका लगभग 500 समथिंग ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैंने चार मंगाया है, तो मुझे लगभग 941 में पड़ चुका है। तो अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो यही है। तो चलिए अभी इसको मैं अपना इंटरव्यू में लगा देता हूँ और देखता हूँ उसमें कैसा लगता है। दोस्तों ये मेरा गाड़ी है, तो जिसका अभी मैं ये ऑटो रेस इंडिकेटर लगाऊँगा। तो फिलहाल मेरा इस दोनों मैंने फोर टोटल चार इंडिकेटर ऑर्डर किया है, आगे का दो और आपका पीछे का दो। तो सबसे पहले अभी इसको हम लोग खोल लेते हैं। गाड़ी का भी हालत देख रहे, बहुत ही बारिश हो रहा है इधर, इससे ऐसा हालत है गाड़ी का। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, उसके बाद इंडिकेटर हम लोग चेंज कर देंगे। तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। उसके इधर एक नट बोल्ट है, उसको खोलना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके इधर एक नट और इधर एक नट आपको देखने को मिलेगा, तो इसको खोल लेना पड़ेगा। दोस्तों सामान को निकालने के बाद कुछ ऐसा आपको उसको देखने को मिल जाएगा दोनों में। बाकी उसके बाद दोस्तों इधर एक स्क्रू और इस साइड में एक स्क्रू आपको देखने को मिलेगा, दोनों भी खोल लेना है आपको। दोस्तों मैंने सारा स्क्रू खोल दिया है, तो देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैंने ये पूरा स्क्रू खोल दिया है, तो अभी आपको सिर्फ इधर का जो सामान तो दिख रहा है, इसको आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है या राइट साइड में घुमाना है, और बस ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको आप जब कैसे खींचेंगे जोर से, तभी निकल आएगा। और मेरा जो इंडिकेटर है अभी मैं उसको लगा के देखता हूँ। तो मैं अभी दोनों को चेंज करूँगा, इसको भी चेंज करूँगा। सेम प्रोसेस है, दोनों को आपको ऐसे उल्टा तरफ घुमाने से खुल जाएगा, और ऐसे खींचने से बल्ब जो है वो निकल आएगा। तो जो लगभग 2 साल हो चुका है, इसका हालत देखिए क्या हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग नया बल्ब लगाते हैं। अभी हम लोग अपना ऑटो रेस बल्ब लगाएंगे। एक गियर में 2 लगा के देखता हूँ कैसा लगता है। जी दोस्तों इसमें जो आपको सीधा दिख रहा है, इसको बस इंजेक्ट कर देने से ये हो जाएगा। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको इंजेक्ट। तो दोस्तों फिलहाल मैंने इंडिकेटर दोनों लगा दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अभी इसको एक बार चला के देखता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं। तो हैजार्ड ऑन करता हूँ मैं सबसे पहले, तो उसको देख पा रहे हैं काम कर रहा है अच्छे से। तो चलिए अभी जैसे था वैसे का सब कुछ लगा देता हूँ। तो दोस्तों आगे का तो पूरा फिनिशिंग हो गया है, लाइट लगा दिया है, देख पा सकते हैं। जो मैंने नया बल्ब लगाया वो ऐसा है। तो अभी ऐसे पीछे का, अभी दोस्तों पीछे का खोलना है, तो इसका भी सेम है। इसका इधर स्क्रू देख सकते हैं, स्क्रू को खोलना है सेम। इधर भी स्क्रू एक है, उसको खोलना है। खोलने के बाद ये बल्ब खुल जाएगा, ये सामान तो खुल जाएगा। खोलने के बाद सिर्फ उसी तरह लेफ्ट या राइट को आपको बल्ब को घुमाना पड़ता है, इसके बाद ये खुल जाता है। खोलने के बाद आप उसको इंजेक्ट कर दीजिए। तो चलिए इसको भी मैं खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको डायरेक्ट दिखा दो कि कैसा लग रहा है। तो दोस्तों उसको खोलने के बाद
अगर आपको पीछे वाला इसको देखने मिलेगा, इसको खोलने के बाद ये जो इंडिकेटर है आपका खुल जाएगा पूरा। दोस्तों सेम इसको भी लेफ्ट या राइट का तरफ से घुमाना है और इसको तो खोल दिया मैंने, तो अभी इसको ऐसे पुल करने से इंडिकेटर है निकल आएगा। तो अभी प्रोसेस सेम ही है, तो अभी डायरेक्ट आपको लाइट लगा के दिखा देता हूँ। दोनों का सेम ही है, दो स्क्रू है नीचे एक और पीछे में एक, तो स्क्रू खोलने के बाद इंडिकेटर लगा के आप लाइट लगा दीजिएगा। तो अभी मैं फिलहाल वही करता हूँ। दोस्तों फाइनल लाइट तो लगाना हो चुका है, वो जो पुराना बल्ब था वो ये चार है, तो अभी फ़िलहाल आइए ऑन करके देख लेता हूँ कैसा लग रहा है देखने में। तो आइए आगे का लुक देख लेते सबसे पहले। दोस्तों आगे से कुछ ऐसा लग रहा है, और पीछे से एक बार देख लेता हूँ। दोस्तों यही था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।